आज के क्लास में हम बताएंगे कि एक डिसमिल में कितना धूर होता है। ये बहुत सारे व्यक्ति को कन्फ्यूजिंग रहता है कि एक डिसमिल में कितना धूर होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिसमिल के वैल्यू जानिए। डिसमिल, एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, देखिए बस डिसमिल, एक डिसमिल में जो है 435.6 स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा डिसमिल स्क्वायर फीट में 435.6 स्क्वायर फीट, ये स्क्वायर फीट में। अगर इसको अगर हम देखेंगे क्या चीज़ में, अलग यूनिट में, जैसे वर्ग करी में, तो एक डिसमिल में जो वर्ग करी होगा 1000 वर्ग करी होगा, क्या 1000 वर्ग करी। तो हम अभी जो है आप लोग को बस एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो डिसमिल का मान है इस मान में कितना धूर आएगा, यानी बोला जाए आसान भाषा में तो एक डिसमिल में कितना धूर होता है उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप लोग बस देखते चलिएगा। देखिए डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट या स्क्वायर फीट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू होता है, ये एक डिसमिल का वैल्यू होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, धूर में बदलेंगे, क्या चीज़ में, धूर में बदलेंगे। धूर में बदलने के लिए ये मान को, यानी एक डिसमिल का जो मान है उसको धूर में बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये माइंड में सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम जिस जगह पे हैं, जिस एरिया में हैं, वहाँ पे कुछ रीजनल लघी का मान चलता होगा, उस लघी के मान से ही आपको निकालना होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर एक डिसमिल में अलग अलग मतलब धूर की संख्या कम बेसी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा वगैरह में जो है आपको वैशाली वगैरह में बहुत जगह जो सारे 6 हाथ की लगी चलता है, तो वहाँ पे एक डिसमिल में 4.5822 धूर होता है, यानी बोला जाए लगभग में तो 4.5 धूर बराबर एक डिसमिल। लेकिन यही जो है कहीं आप और जाएंगे, जैसे पटना में और पटना के नज़दीक जो कुछ जिले हैं उसमें 5.5 हाथ के लगी चलता है, तो वहाँ पे कुछ और आएगा। ठीक है, तो लगी के मान के हिसाब से बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, आपको तो 6 के बारे में बता दिए, लेकिन निकालते कैसे हैं ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो हम 5.5 हाथ की लगी एक मान पकड़ेंगे, उस मान के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक डिसमिल में कितना धूर होता है वो जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि जिस एरिया में जहाँ निकाले वहाँ लगी की मान आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगी बराबर लिख सकते हैं, लगी बराबर 5.5 हाथ। तो 5.5 हाथ की लगी है, लेकिन हम जो है आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझ में आए उसलिए हम स्क्वायर फीट में हम लिए हैं, और हम लगी को मान को भी स्क्वायर फीट में बदलेंगे। तो देखिए 5.5 हाथ ये लगी की लंबाई हाथ में, लेकिन इसको हम फीट में बदल लेंगे। फीट में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक हाथ में 18 इंच होता है, यानी 18 इंच मतलब 1.5 फीट, 18 इंच बराबर 1.5 फीट, यानी 1 फीट में 12 इंच, तो 18 इंच में कितना 1.5 फीट, 1.5। तो इसको हम फीट में बदल लेंगे, क्या चीज़ें बदल लेंगे, फीट। तो फीट बराबर कितना आएगा, देखिए तो फीट बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.5 × 1.5 फीट। ठीक है, ये 1.5 फीट हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम डेढ़ हाथ यानी 1.5 फीट एक हाथ की लगी की लंबाई होता है, यानी एक हाथ का लंबाई होता है। तो ये हाथ है ना, 5.5 हाथ है, तो हाथ को हम क्या किए, एक हाथ का जो मान होता है 18 इंच, उसको डायरेक्ट फीट में ले लिए हैं, 18 इंच मतलब 1.5 फीट, उसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो ये 8.25 फीट आ जाएगा, क्या आ गया फीट। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया, लेकिन धूर, अब हम धूर निकालेंगे कि सबसे पहले ये भी जानना होगा कि एक धूर में कितना जमीन होता है, वो भी स्क्वायर फीट में।
तो इस चीज को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल और आसान तरीका, जो जहां पे जो लघी का मान चलता है उसका स्क्वायर जब हम कर देते हैं ना, यानी वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, जब स्क्वायर कर देते हैं तो एक धुर का मान निकल जाता है। जैसे साढ़े पांच हाथ है तो साढ़े पांच हाथ की लगी है, इसको लगी साढ़े पांच हाथ में है ना, साढ़े पांच हाथ को हम क्या करेंगे जिस चीज में निकालना चाहते हैं स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट में बदल के उसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकलेगा दूर। अगर हमको कड़ी में निकालना है तो ये साढ़े पांच हाथ को हम कड़ी में बदल के उसको स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा वो दूर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं धूर बराबर लगी स्क्वायर, जितना लगी है आप पे निर्भर करता है कि लगी का मान आप किस चीज में एक धूर का मान निकालना चाहते हैं उसमें लगी का मान रखेंगे। तो हमको निकालना था क्या चीज में, यहाँ पे वर्ग मतलब फीट, फीट में हमको निकालना था, यानी फीट का मान में तब ना स्क्वायर फीट में निकलेगा, तो फीट में हम बदल लिए, स्क्वायर फीट में निकालना है उसलिए हम क्या लगी का मान को फीट में बदल लिए। आप देखिए सारे सवा आठ फीट है, कितनी हाथ की लगी है साढ़े पांच हाथ की लगी से एक हाथ में फीट में साढ़े आठ हो जाता है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 68.0625 स्क्वायर फीट, 68.0625 वर्ग फीट या अब स्क्वायर फीट लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आसान है, तो हमको पता चल गया कि साढ़े पांच हाथ की लगी से एक क्या चीज में, एक धूर में 68.0625 स्क्वायर फीट होता है साढ़े पांच हाथ की लगी से। अब ये साढ़े पांच हाथ की लगी कहीं भी चलता है, हर जगह इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अगर कुछ हो सकता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट वगैरह के कारण जो है अच्छा से नहीं दिखता होगा, तो हम एक बार कोशिश करते हैं लाइट को जो है ऑन करने का। ठीक है, छोड़ दीजिए आप, अगर लाइट पे आ जाता है तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलिए ठीक है, पहले से तो अच्छा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना मान ले लेंगे और हम डिसिमिल में बदल लेंगे। तो अब हमको कुछ नहीं करना होगा, हमको पता है कि एक डिसिमिल में इतना जमीन होता है स्क्वायर फीट में। ठीक है, अब हम धूर बराबर डिसिमिल को धूर में बदलेंगे। ठीक है, या एक डिसिमिल बराबर हम लिख सकते हैं, एक डिसिमिल बराबर या डिसिमिल बराबर, यानी डिसिमिल बराबर एक डिसिमिल का नहीं, एक डिसिमिल का ही मान है, तो हम एक डिसिमिल बराबर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, धूर में बदलना है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि एक डिसिमिल का मान जो है 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अब इसको हमको धूर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे एक धूर का मान से। ठीक है, अगर बोलेगा 20 मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़, ठीक है कोई भी चीज़ अगर आपको बोलेगा उसको डिवाइड करने के लिए, तो क्या करेंगे उसके मान से भाग देंगे, कितनी संख्या आएगी। जैसे आपको बोलेंगे कि एक डब्बा में 20 आम आता है, अगर हम एक टोकरी में 20 आम है, अगर दो दो को दो दो आम को डाल के एक डब्बा बनाएंगे तो कुल कितना डब्बा बनेगा, तो हम क्या करेंगे पूरे में जितने एक डब्बा में जितने आम और दूसरे से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, यानी 10 डब्बा। वो छोड़िए, हम इतना समझिए कि डिसमिल के मान से जब हम धूर के मान से भाग दे देते हैं, डिसमिल के मान में जब धूर के मान से हम भाग दे देते हैं तो जो निकलता है वो धूर की संख्या निकलता है कि कितना धूर हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें हम भाग दे देंगे 68.0625 स्क्वायर फीट से, क्या स्क्वायर फीट से, तो ये जो कट के आएगा ये 6.4 धूर आएगा। ठीक है, ये धूर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं धूर। ठीक है, यानी एक डिसमिल में 6.4 धूर, एक डिसमिल में कितना 6.4 धूर। तो ये साढ़े पाँच हाथ की लगी जहाँ चलता है वहाँ 6.4 धूर आएगा, जहाँ साढ़े छः हाथ का लगी चलता है वहाँ 4.58 दो दो करके आएगा। ठीक है, यहाँ साढ़े छः हाथ, देखिए इस दोनों में कितना का अंतर आ गया, अंतर आ रहा है ना, लेकिन हम आपको बताएंगे एरिया सेम ही है, स्क्वायर फीट जितना स्क्वायर फीट जमीन इतना है उतना इसमें भी आएगा। साढ़े छः हाथ की लगी के हिसाब से एक डिसमिल का मान निकालेंगे तो इतना निकलेगा साढ़े छः हाथ के, और साढ़े पाँच हाथ से इतना, लेकिन दोनों का जमीन एक ही है लेकिन धूर में संख्या बदल गया। यहाँ पे साढ़े चार लगभग में साढ़े चार आप धूर बोल सकते हैं, और यहाँ पे 6.4 धूर। अब जमीन इतना ही है, 435.6 स्क्वायर फीट है। तो देखिए रीजनल लघी के मान के हिसाब से मान में बदलाव आता है, ये बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं, जिनको पता नहीं तो बोलेंगे कि आप गलत बता रहे हैं, इतना तो होता नहीं है मेरे एरिया में, ये होता है, तो उनको ये पता नहीं रहता कि मेरे एरिया में लगी क्या चल रहा है और सर क्या चीज़ से बताएं।
बहुत सारे व्यक्ति को। तो आप लोग को ये किस प्रकार ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए और बेहतर से और आसान तरीका से जो डिटेल्स में पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति कमेंट भी करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अमीर का ट्रेनिंग होता है, और वैसे अमीर नहीं बनते, यहाँ चैलेंजर अमीर बनते हैं, डिप्लोमा होल्डर बनते हैं, लाइसेंसधारी अमीर। पूरे बिहार और पूरे झारखंड में ये इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको यहाँ पे करने के बाद गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है। क्या देती है? लाइसेंस, यानी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन आप बन जाते हैं, लाइसेंसधारी अमीन बन जाते हैं, ठीक है, पूरे बिहार में और पूरी झारखंड में। तो यहाँ पे बिहार के हर जिले से स्टूडेंट देखने को मिलेंगे और बिहार से बाहर से भी, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तक के स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है। यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, लॉज वगैरह की सारी सुविधा है, हर फैसिलिटी। बाकी विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और हर एक चीज़ बारीकी से समझिए, पहले बारीकी से समझिए तब जाके एडमिशन लीजिए। क्योंकि अभी बहुत सारे व्यक्ति देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बहुत जगह ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहा है, तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है और पहले डिटेल्स जानकारी लेना है। अगर ऑनलाइन भी आप कैसे भी कीजिए, अगर आपको समय है तो आप सेंटर पे आके विजिट कीजिए, देखिए कहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं और कहाँ पे क्या है पूरी डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, अमीन का कोर्स करना है, आपको डिटेल्स बताया जाएगा, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। फिर और दूसरी बात, करिए या ना करिए, नंबर को सेव कर लीजिए कि कभी भी लाइफ में कभी भी आपको करना होगा, किसी को सजेस्ट करना हो तो ये नंबर आपके मोबाइल में होंगे और अपने छोटे भाई या बड़े भाई कोई भी, आप खुद को भी अगर आवश्यकता पड़े इस नंबर का तो आप डायरेक्ट कॉल करके हर एक चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में, यानी ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ ही नहीं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ किस प्रकार होता है बाकी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।